सो अवर टॉपिक टुडे इज सर्कल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्कल आज हम सर्कल के बारे में बात करेंगे सर्कल हम सर्कल को अगर डिफाइन करना चाहें कि भाई सर्कल की कोई डेफिनेशन बताइए तो हम कैसे ला सकते हैं तो देखिए मैं पहले शेप बना लेता हूँ मान लीजिए एक सेंटर में कोई पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं जिसको हम सर्कल का सेंटर भी कहते हैं ठीक है एक सर्कल में हमने सेंटर में एक पॉइंट फिक्स कर लिया लेट वो पॉइंट है ये जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक डिस्टेंस भी फिक्स कर लिया जिसको हम रेडियस भी कहते हैं ठीक है तो पहले मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ ये सर्कल का एक पॉइंट है एक पॉइंट है सेंटर का फिक्स्ड और इसे ये डिस्टेंस भी फिक्स कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया अब हमने डिस्टेंस इधर ना मेजर कर कर इधर मेजर किया यहाँ पर और पॉइंट फिक्स कर लिया ऐसे हम जगह जगह पॉइंट्स लगाते चले गए एक फिक्स्ड सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर दोबारा से समझ लीजिए हमने एक पॉइंट सेंटर पे फिक्स कर लिया और उससे डिस्टेंस फिक्स कर लिया बस अब हम अलग अलग जगह पर उसी सेंटर से डिस्टेंस भी फिक्स रखा हुआ है पॉइंट लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं तो द शेप वी विल गेट अ सर्कल ऐसे होता है ना सर्कल जो अभी बनाऊंगा राइट साइड में सर्कल बेसिकली क्या है ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ये देखिए पॉइंट्स 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 पॉइंट 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 सारे सारे के सारे एक डिस्टेंस से एक सेंटर के पॉइंट से फिक्स्ड है और एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है ओके तो चलो यहां से हमारे पास एक सर्कल की डेफिनेशन बनती है अगर हमसे कोई पूछ ले डिफाइन सर्कल कैसे डिफाइन करोगे और एक बार बता दू ये टू फिगर है थ्री डी में नहीं है इट्स अ प्लेन फिगर तो लेट अस डिफाइन हम कैसे डिफाइन करेंगे द कलेक्शन ऑफ सर्कल इज द नोट कीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हाँ ये डेफिनेशन नोट कीजिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सर्कल इज नथिंग बट इज द इट इज द कलेक्शन ऑफ All the points in a plane which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a fixed point from a fixed point. द सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट इन प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ठीक है इन अ प्लेन इज कॉल्ड अकल ये एक सर्कल की डेफिनेशन नॉर्मली हमें आज तक कोई सर्कल डेफिनेशन पता ही नहीं थी चलिए हमें सर्कल डेफिनेशन तो पता लग गई सर्कल बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट है और फिक्सड सेंटर से है सर्कल को नॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो सर्कल को हम सी और साथ में ओ कॉमा आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल O रिप्रेजेंट सेंटर एंड आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ सर्कल आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ सर्कल ओके तो क्या हमें सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हो गई yes. चलिए और सर्कल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो अगर हम ये बोर्ड हमारा जो दिख रहा है इस पे इफ यू ड्रॉ अ सर्कल अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं दिस बोर्ड अस ओके जल्दी फास्ट सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स इन अ अ प्लेन आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. फर्स्ट. नाउ जैसा मैंने कहा ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन पर इस बोर्ड के प्लेन पर इफ यू ड्रॉ अ सर्कल लेट अस ड्रॉ सर्कल ठीक है इसका ये सेंटर है लेट अस दिस पार्ट एज अ सेंटर ओ एंड दिस इज द रेडियस जैसा भी हमने कहा ओके अगर हम इस पूरे प्लेन पर पॉइंट्स लगाना चाहें तो वी कैन हैव थ्री पॉइंट्स। एक पॉइंट वी कैन हैव आउटसाइड द सर्कल P, दूसरा पॉइंट वी कैन हैव एट इनसाइड द सर्कल दैट इज Q, और तीसरा पॉइंट वी कैन हैव ऑन द सर्कल दट इज आर आर तो सर्कल में एक तरह से सर्कल ने एक्चुअली में इस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है अगर ध्यान से देखा जाए तो देर आर थ्री पार्ट्स सर्कल की वजह से ये पूरा प्लेन बोर्ड का प्लेन इज इनटू थ्री पार्ट। वन पार्ट इज पॉइंट पी दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल वन पॉइंट इज क्यू दैट इज इंटीरियर ऑन द सर्कल एंड अनदर पॉइंट इज आर दैट इज ऑन द सर्कल इमेजन कीजिए अगर आपके घर के फ्लोर पर एक बैंगल पड़ी हुई है तो अगर कोई इंसेक्ट उस फ्लोर पर चल रहा है तो वो किसी भी टाइम तीन जगह हो सकता है या तो वो बैंगल के अंदर होगा या बैंगल के बाहर होगा या फिर वो बैंगल के ऊपर होगा सर्कल के एक्सटीरियर में इंटीरियर में तो या या ऑन द सर्कल तो हम ये बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं सर्कल डिवाइड्स द प्लेन अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन जिस भी प्लेन में सर्कल होता है डिवाइड्स द प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड करता है बताइए इंटू थ्री थ्री पार्ट्स वाट आर द थ्री पार्ट्स एक्सटीरियर इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल और यहाँ से बहुत क्लियर है जो पॉइंट एक्सटीरियर में है जैसे अगर ये ओ मान लेते हैं ओ so, पी को अगर हम ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली एक्सटीरियर वाला पॉइंट रेडियस से ग्रेटर होगा कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर में है दैट इज ओ क्यू वो रेडियस से स्मॉलर होगा और कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वो रेडियस मान लीजिए पॉइंट आर हमने नाम रखा था दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ओके क्लियर या डाउट ठीक है चलिए आगे चलते हैं लेट अस ड्रॉ वन मोर सर्कल नोट डाउन कीजिए ओपी इज ग्रेटर देन एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल दैट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल हाँ एनी पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल इज स्मॉलर देन रेडियस और जो ऑन द सर्कल है दैट इज इक्वल टू रेडियस ओके चलिए और चलते हैं तो जैसा ये ओ सेंटर है और अगर हम यहाँ से कोई भी लाइन जो सर्कल की तरफ बनाते हैं सेंटर से एनी एनी लाइन विथ ज्वाइन द सर्कल और उसका नाम यहाँ बनाइए आप इस डायरेक्शन बनाइए गो इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन कहीं भी इफ यू ड्रॉ दिस लाइन क्या देखते हैं आप आप देखते हैं सब जो है दिस आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ सर्कल तो चलो एक को रख लेते हैं फिलहाल तो लेट ओ पी सो ओ पी सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल को ज्वाइन कर दैट इज कॉल्ड रेडियस उसकी वाली है क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है ना सबकी हाँ हाँ बिल्कुल सेम इसमें कोई डाउट ही नहीं है ठीक है अच्छा अगर हम इसी रेडियस को एक्सटेंड कर दें और एक्सटेंड कर इसको यहां तक कर दें ये then what does it देन iska name rakh lete hain let है ना uh, इसका q रख लेते हैं तो भी q, तो PQ become diameter. कितने डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से पास हो रही है बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं इन्फानेट ड्रॉ कर सकते हैं ये यह यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं यू कैन ड्रॉ द diameter फ्रॉम हेयर also. यू कैन ड्रॉ द डायमीटर फ्रॉम हेयर ऑल्सो अनलिमिटेड डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है कन्वीनियंस के लिए हम वापस उसी टाइप में चलते हैं और ये हम पॉइंट वन डिग्री मतलब नहीं जो सेंटर से पास सेंटर से पास हो रहे लाइन वो सब डाय हाँ सेंटर से पास होना चाहिए वो जरूरी है और डायमीटर हम जानते हैं इज द डबल ऑफ रेडियस या दूसरे टर्म्स में आप कह सकते हैं आर इज गल टू डबल ऑफ अच्छा अस लुक एट वन मोर लाइन अगर कोई लाइन यहाँ से पास होती है सेंटर से नहीं ऊपर से तो क्या आप इसको डायमीटर कहेंगे दोबारा सोच के बताइए ये लाइन ये यहाँ जा रही है तो ये लाइन सर्कल के दो पॉइंट को तो ज्वाइन कर रही है एज एस सी एम एज डायमीटर बट सेंटर से तो नहीं पास हो रही दिस लाइन इज ज्वाइनिंग कॉड ऑफ द डायमीटर ठीक है तो इसका नाम रख लेते हैं कॉड सो ए बी इज कॉल्ड कॉड वट इज द कॉड एनी लाइन टू टू पॉइंट ऑन द सर्कल नहीं ये बट नॉट पासिंग वाला हटा दो नहीं 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 बट नॉट पासिंग छोड़ दो एनी लाइन तो क्या भी है Answer है कॉर्ड yes, बट वो वाली कॉर्ड डायमीटर नहीं है ठीक है ना तो एनी लाइन सेल्ड द टू एंड द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ठीक है ना तो ए बी इज कॉर्ड वी कैन हैव ए सी एज कॉर्ड सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड ठीक है ना देन आर लॉट ऑफ कॉड वी कैन ड्रॉ है ना और एक बात और तो इंटरेस्टिंग देखिए जैसे से आप सर्कल में सेंटर की तरफ क्लोजर जाएंगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी और डायमीटर बिल्कुल सेंटर में जाएंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिलेगी मींस डायमीटर इज आल्सो अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड बट इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड जैसे से आप सेंटर से दूर जाएंगे यू विल सी द लेंथ ऑफ कॉर्ड

ठीक है और ये यहां से ऐसे जाए इस बात पे ये क्या कहलाती है दिस कॉल्ड दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल ये क्या किया है? हमने दिस सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया है ठीक है ना हाँ तो आप पीस ऑफ सर्कल कैसे डिफाइन करेंगे आर्क ऑफ सर्कल को आर्क ऑफ सर्कल पार्ट ऑफ सर्कल नहीं पूरा भी सर्कल कर सकते पार्ट 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 की बात करें ऑफ ऑफ सर्कल सर्कल हाँ पूरा वो फिर सर्कल बन जाएगा ना बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल अ पार्ट ऑफ सर्कल टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आ अभी अभी कोई बच्चा बोले सर अगर हम एक काम करते हैं ये पॉइंट्स को ए को यहाँ तक ले आते हैं और बी को यहाँ ले आते हैं मतलब और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इतना एक्सटेंड कर लेते हैं कि वो डायमीटर के बिल्कुल एंड पॉइंट बन जाए ये ऐसे अब क्या अभी भी हाँ बिल्कुल है तो क्या फर्क है कौन से बोलेंगे सर अब जो ये आग है ना ये ऑलमोस्ट हाफ सेमी सर्कल बन गई तो अब सर्कल का हाफ है तो दिस आख इज कॉल्ड सेमी सर्कल तो सेमी सर्क सेमी सर्कल एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूँ पहले एक मिनट सेमी सर्कुलर आग कौन सी होती है एक वो आग जिसके जो डायमीटर के एक एंड से शुरू होती है और दूसरे एंड तक बनती है दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आग कोई भी डायमीटर हो सकता है तो अगर कोई भी कोई एक पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ बेटा तो अगर कोई भी आग डायमीटर से शुरू हो एक, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे डायमीटर के एंड तक जाएगी बेशक किसी भी वे में जाए तो वो हमेशा सेमी सर्कुलर आर्क होती है हाँ जी पूछिए हाँ। हाँ, बिल्कुल सही पूछा अगर अगर कोई भी आग सेमी सर्कल से बड़ी हो जाती है तो उसको हम आग ही बोलते हैं पर बोलते हैं मेजर आग और कोई भी आग सेमी सर्कल पार्ट से छोटी होती है तभी मैं सेमी सर्कल समझा रहा हूं ना तो उसको बोलते हैं माइनर आग तो वो मेजर आग और इवन अगर कंप्लीट सर्कल भी बन जाएगा तो उसको सर्कल या सरकम या सरकम आग भी कह सकते हैं ठीक है ना सरकम कुछ और नहीं है ये कंप्लीट सर्कल है या आर्क ऑफ द सर्कल है बाउंड्री तो है और वो आग की फॉर्म में क्लियर तो आग भी हमें क्लियर हो गया आग दो तरह से हो सकती है जैसे मैंने बताया माइनर और मेजर थोड़ा सा और चलते हैं ठीक है, Let it be है। सर्कल अब इसमें हमें ये देखिए दोबारा से समझते हैं ये इसका सेंटर हो गया यहां तक बनाया दिस इज रेडियस पूरा एक्सटेंड कर दिया तो दिस इज डायमीटर विच इज ऑल्सो कॉर्ड दिस इज ऑल्सो ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड लेकिन अगर आप ए सी बी सर्कुलर पाथ पर जाते दिस इज एन आक ए सी बी इज एन आर्क और जैसे मैंने कहा इट इज माइनर आर्क अच्छा ठीक है बिल्कुल माइनर नाउ एक और चीज देखते हैं ये कॉर्ड ए बी और ए सी बी आर्क के बीच में ये वाला एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ येलो कलर से इसको क्या बोलते हैं द एरिया बिटवीन द रीजन बिटवीन द रीजन बिटवीन दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट दिस इज कॉल्ड सेगमेंट तो कोई बच्चा बोल सकता है सर आप कह रहे हैं कि ये कॉर्ड है और माइनर आर्क है अगर कॉर्ड और मेजर आर्क में देखेंगे तो वहां पर भी तो ये देखो ये वाला पूरा पोर्शन आ रहा है ये वाला तो क्या ये भी सेगमेंट नहीं होना चाहिए हाँ बिल्कुल ये भी सेगमेंट होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन यही है कि वो रीजन जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है तो क्या फर्क है इस वाले रीजन को हम मेजर सेगमेंट बोल देंगे है तो वो भी सेगमेंट बट इट कैन बी सेट एज अ मेजर सेगमेंट वो कैसा था माइनर सेगमेंट ये कैसा है मेजर सेगमेंट ठीक है और अगेन फिर वही अगर सेंटर से एक कॉर्ड पास हो रही होती तो सेगमेंट्स दोनों कैसे बनते इक्वल सेगमेंट बनते और हर सेगमेंट एक सेमी सर्कल होता ठीक है हाँ आर्क के एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है

नेक्स्ट हम इज सेक्टर ऑफ द सर्कल जो जो नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए इतना कर सके देखिए ये सेंटर है ये दोनों रेडियस है तो रेडियस या रेडियाई रेडियाई एंड ये आर्क है ओके, लेट अस शो इट बाय येलो। तो दो रेडियाई और आर्क के बीच में ये जो जितना भी एरिया है जितना भी रीजन है पोर्शन है, इट इज नॉट अ सेगमेंट सेगमेंट कौन सा था सेगमेंट तो कॉर्ड, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का रीजन था है ना कॉर्ड और यहां तो कॉर्ड और आर्क नहीं है रेडियस है तो इस रीजन का क्या नाम रखा है इस रीजन को हमने बोला है सेक्टर द रीजन द स्पेस द एरिया बिटवीन रेडियाई एंड कॉरस्पोंडिंग आंख जो रेडियस ले रहे हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंख है जो उसके साथ की आख है उसको हम बोलते हैं इस कॉल्ड सेक्टर ऑफ द स और जैसा दिख रहा है डायग्राम में दो तरह के सेक्टर्स होते हैं एक होता है माइनर सेक्टर और इसी तरह से सेक्टर तो ये वाला भी है दिस इज़ मेजर सेक्टर है? तो सेक्टर भी आपके माइनर एंड मेजर होते जैसे सेगमेंट भी माइनर थे ऐसे सेक्टर भी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो हैं दिस इज मेजर सेक्टर ठीक है इतनी सारी टर्म्स हमें सब पता होनी चाहिए हमारे सब यूजफुल है वी शुड नो द रेडियस वी शुड नो द डायमीटर कॉर्ड आर्क सेगमेंट सेक्टर ये सब चीजें वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स ओके नोट डाउन कीजिए चलिए बता रहा हूँ थ्योरम टेन पॉइंट वन लेटस डिस्कस थ्योरम मैं बता रहा हूँ हाँ रीड आउट कर लीजिए टेन पॉइंट वन वॉट इज दट फेरम वी हैव टू प्रूव दैट इक्वल ऑफ अ सर्कल इक्वल कॉड ऑफ अ सर्कल सबस्टैंड सब मीन बनाती है प्रोड्यूस करती है इक्वल एंगल एट द सेंटर सेंटर। okay. हमें क्या गिवन है हमें कहा जा रहा है अगर सर्कल में एक ही सर्कल की बात करिए इक्वल हो जाए कॉर्ड हैं, जितनी मर्जी पर इक्वल कॉर्ड्स होने चाहिए क्या वो एंगल्स भी इक्वल बनाती हैं सेंटर पर ओके okay. हमें कहा जा रहा है एक सर्कल में अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो क्या वो सेंटर पर एंगल भी इक्वल बनाएगी चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं सपोज दिस इज अ सर्कल ठीक है AB, और लेट ये कॉर्ड है इट्स नेम इज ए बी ठीक है और लेट ये दूसरी कॉर्ड है लेट अस कीप इट्स नेम है सी डी ठीक है दिस इज सेंटर ए बी कॉर्ड ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल है लेट इट्स नेम बी ए बी और सी डी कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है दैट इज ये वाला एंगल ठीक है थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं कॉर्ड और सपोज ये वाला ओके ये दोनों कॉर्ड्स हमें कहा जा रहा है इक्वल है थोड़ा इक्वल दिखा लेते हैं लगने लगे ओके वी आर गिवन कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है आपको शो करना है कि क्या वो ये एंगल जो बना रही है ये एंगल्स भी इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा नो क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या गिवन है मैं ये वाला ऊपर हटा देते yes. और कॉर्ड भी आपको क्लियर हो गई लेटेस्ट थ्योरम में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है गिवन व्हाट इज गिवन ए बी सी डी आप और भी ले सकते थे कोड आपने दो ले लिए क्या प्रूव करना है बट वी नीड टू प्रूव लेट है इसका प्रूफ लेट बस दो ट्राइंगल ले लेते हैं वी कैन टेक अनदर ट्रायंगल एज ट्रायंगल सी ओ डी लेट दिस टू एंगल ओके एज इट क्लियर वी कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ डी गिव मी द रीजन गिव मी द रीजन नो 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 ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी बिकॉज रेडिया दे बोथ आर रेडिया ऑफ द सर्कल अरे तो रेडियस है सर्कल के थर्ड थिंग क्या है थर्ड थिंग हमें खुद ही गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है अब कोई बच्चा बोलेगा सर कोई बच्चा बोलेगा सर वर्टिकली अपोजिट लगा लो वर्टिकली अपोजिट हर बार नहीं बनेगा तो हमने डायग्राम ऐसा बनाया सपोज ये दो इक्वल कॉर्ड्स ऐसे और ऐसे होती तो एंगल्स ऐसे बनते और ऐसे बनते अब कैसे लगाते वर्टिकल अपोजिट है ना तो वो तो वर्टिकली स्पेशल केस है तो वर्टिकली नहीं लगा रहे ए बी इज इक्वल टू सी डी दैट इज आ फिगर ऐसे बनी हुई गिवन है तो यहाँ से देखिए एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड तो थ्री आर इक्वल सो बाय एस 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 कांग्रेन रूल वी नो दैट रूल वी कैन से द ट्राइंगल ए बी इज कॉन्गोर टू सीओ डी तो सो जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी ओ डी रीजन रीजन क्या है सी पी सी टी ओके नोट कीजिए थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और हमने आगे के लिए ध्यान भी रख लिया कि वेन एवर कोर्ड्स आर इक्वल और जो वो एंगल सेंटर पे बनाएंगे सेंटर पे ध्यान रखना वो एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉपी कीजिए बिल्कुल थ्योरम टीपू सुल्तान बन जाओ टीपू सुल्तान क्या करता है टीप टीपू सुल्तान क्या होता है टीपू सुल्तान बन जाओ टीपू सुल्तान टीप देना ऐसे टीप लो फटाफट बीजा टीपू सुल्तान ठीक है इसका दूसरा इसका दूसरा दे रहा हूँ मिल चलता वो करेंगे आप ओके पहले इसकी एप्लीकेशन समझ लीजिए एप्लीकेशन क्या है हमने कहा भाई ये एक सर्कल है अभी पहले इसी की बात कर लेते हैं इसमें ये कॉर्ड है ए बी और एक दूसरी कॉर्ड है बी सी ए बी ने सेंटर पर एक एंगल बनाया है ए बी ने ये एंगल है मान लेते हैं सिक्सटी डिग्री दिस एंगल इज सिक्सटी डिग्री एंगल ए तो आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन में बताइए एंगल बी ओ सी कितना होगा वट विल बी योर आंसर योर आंसर सर ये भी सिक्सटी डिग्री होगा रीजन क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं इक्वल है आप मत सोचना कि लीनियर पेयर का लग रहा है तो मैं वन ट्वेंटी निकाल दूं अरे लाइन ऐसे बन गई है हो सकता है लाइन ऐसे हो क्लियर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है दोबारा देख लीजिए दोबारा बताऊं, ये एक कॉर्ड है ठीक है ये दूसरी कॉर्ड है एक एक कॉर्ड एबी ने सेंटर पर एक एंगल बनाया ये वाला ठीक है मान लेते हमने कहा ये एंगल है सिक्स डिग्री कितना है सिक्स डिग्री तो बताइए ये वाली कॉर्ड कितना एंगल बनाएगी? ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो अभी भी थ्योरम पढ़ी अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे तो दिस एंगल इज ऑल्सो सिक्सटी डिग्री क्लियर ये डाउट ठीक है अब इसका उल्टा थ्योरम इसका उल्टा थ्योरम है टेन पॉइंट टू वो पढ़िए और आप मुझे करके बताएंगे थ्योरम टेन पॉइंट टू आप खुद कर सकते हैं थ्योरम पढ़िए क्या है इसका उल्टा है क्या थ्योरम है पढ़िए इफ द एंगल्स इफ द एंगल्स सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ़ अ सर्कल इफ द एंगल्स सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ़ अ सर्कल एट देंटर आर इक्वल इक्वल देन देर कॉड इक्वल आप करके दिखाएंगे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए क्या करना है फिर बताइए करके दिखाइए अब उल्टा बोल दिया फर्स्ट का थियोरम टेन पॉइंट वन का कन्वर्स है क्या अगर एंगल्स जो सेंटर पे बने हैं जो कॉर्ड ने बनाए हैं वो एंगल्स इक्वल है तो क्या उनको बनाने वाले कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी अब उल्टा प्रूव करना है जो एंगल्स सेंटर पर बन रहे हैं हमें कहा जा रहा है वो एंगल्स इक्वल है तो जिन कॉर्ड्स ने उनको बनाया है क्या वो भी इक्वल होंगी बिल्कुल उसका उल्टा ठीक है देखिए मान लीजिए सर्कल्स है अब आपको कहा जा रहा है कि जो एंगल्स बन रहे हैं लेट ये एक कॉड है ए बी एंड इट इज मेकिंग एट एंग एन एंगल एट द सेंटर सेंटर नहीं लग रहा अच्छा लेट देर इज अ कॉड ए बी और ये एक एंगल बना रही है सेंटर पर यह एंगल है एंगल ए बी ठीक है और दूसरी कॉड सपोज ये है बी सी और इसने भी एंगल बनाया एंगल बी ओ सी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अब की बार उल्टा की बनाए ंगल एज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हाँ जी मैं बस आपको गिवन लिखे दे रहा हूँ क्या प्रूव करना है बताइए वी नीड टू प्रूव दैट बस मैं इतना लिखे दे रहा हूँ अभी हम ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें ये प्रूव करना है हाँ ये सिंपल है सो इन ट्राइंगल लेट ट्राइंगल ए ओ बी एन ट्राएंगल बी बताते जाइए क्या लिखेंगे सबसे पहले वी कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बोथ आर द रेडियस तो सर्कल के इक्वल होते हैं और प्रूरल्स वी कैन राइट रेडियाई रेडी ऑफ द सर्कल ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन दिस ओ बी इज कॉमन कॉमन टू बोथ ट्राएंगल एंड द थर्ड थिंग इज थर्ड थिंग इज एंगल वन लेट नेम यह आपको गिवन ही है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दट इज गिवन टू यू ओके सो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बाय विच रूल बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल लेट एस रिमूव द फिगर हि सो बाय दो साइड्स और एक एंगल सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल वट वी कैन से ट्राइंगल इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल सीओ ट्राइंगल एक बार कॉन्गोरेट हो गए तो सीपीसी ए बी इज इक्वल टू सी डी तो उसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया अगर दो कॉर्ड्स दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पर एंगल भी इक्वल बनाएंगी और वाइज वर्षा अगर एंगल इक्वल बन रहे हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी क्लियर तो इतनी नॉलेज से आपने एक्सरसाइज टेन पॉइंटीआरटी और एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू एनसीआर की हम इतनी इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेन पॉइंट वन और टेन पॉइंट टू टी की ये सारी हम नॉलेज से जो हमने सीखा है आज उससे कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आपका होमवर्क में रहेगा